अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ नारायण नगर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। कल रात को हम लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे हैं। ये आर्मी का एक हेडक्वार्टर है, इसका नाम है 80 रेजिमेंट। यहाँ पे इस वक्त 1800 घोड़े मौजूद हैं। यहाँ तक का सफ़र बहुत अच्छा और ख़तरनाक रहा है। जो बारिश वगैरह हुई वो मैंने आपको दिखाई है, और अब थोड़ा सा सिनेमैटिक मैं आपको यहाँ का दिखाता हूँ, और फिर हम जा रहे हैं नारायण अब से 2 घंटे में। वहाँ जाके फिर मिलते हैं। ये यहाँ के घोड़े हैं सारे, दिखाएं। ये हम लोग मार्केट में आए हुए हैं, यहाँ से कुछ ज़रूरत की चीज़ें परचेज कर रहे हैं। इसके बाद हम सीधा कागान जा रहे हैं, कागान में एक स्टॉप देंगे और उसके बाद नारायण जाएंगे। पाँव पानी में डाले हुए हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बर्फ़ें ऊपर नज़र आ रही हैं, बादल आए हुए हैं, पीछे से आबशार आ रही है।
ये मैं बैठा हुआ हूँ पानी में। तो अभी हम यहाँ पे रुक के जो है खाना कुक कर रहे हैं अपना, इसके बाद हम लोग अपना आगे नरान का सफ़र स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग कागान में मौजूद हैं और इसी तरह से हम लोग अभी आगे नरान जाएंगे, लेकिन अभी हम खाना बना रहे हैं, उसकी भी कुछ स्नीक पीक आप लोगों को अभी दिखाते हैं करें। खबर ना आ सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी, तेरे आने की खबर ना आ सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी। हो गए पागल तेरी यादों में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ। अब हम लोग जो है यहाँ पे खाना खाने के लिए आ गए हैं लाहौर रोज में, तो खाना हमने ऑर्डर कर दिया, तो बस अभी हम बैठ के खाने लगे हैं, इसके बाद हम मार्केट विजिट करेंगे और कुछ शॉपिंग करेंगे। अभी हम घूम रहे हैं नरान के बाज़ार में, थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। कल हम जाएंगे बाबूसर टॉप जाएंगे, कल सुबह चैपल मलूक भी जाएंगे, देखें कहाँ जाएंगे। अभी जो वापडा की बिजली है वहाँ पे ग्लेशियर गिर गया, इसलिए यहाँ पे लाइट चली गई है, सारी जगह जनरेटर्स ऑन हो गए, और दो हफ्ते तक अब वो पूरा ग्रिड स्टेशन क्योंकि ग्लेशियर से गिर गया है, दो हफ्ते तक लाइट आने का कोई चांस नहीं है। बाकी थोड़ी सी मार्केट में आपको विजिट करवा देता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। अभी हम सुबह सुबह उठे हैं और यहाँ नारान में सब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है कि जैकेट्स के बगैर तो यहाँ सब गुजारा नहीं है। पीछे तेज़ पानी चल रहा है और वो आप देख सकते हैं उन पहाड़ों में सारे वो बर्फ़ से कवर्ड हैं। वो देखें पहाड़ ऊपर सारे बर्फ़ से कवर्ड हैं। सभी हम सुबह सुबह उठे हैं, थोड़ी देर में हलवापूरी के नाश्ते के लिए जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग बाबूसर टॉप जाएंगे। नाश्ता अब हमने पंजाब टिक्का हाउस से कर लिया है नारान में। अब हम लोग बाबूसर टॉप की तरफ निकल रहे हैं। रास्ते में लेक्स में रुकेंगे, आपको सब कुछ दिखाएंगे। चलो ओके। बटाकुंडी आ चुके हैं। रास्ते में इससे पहले चिलकट था, यहीं पे बटाकुंडी का मेन बाजार भी है। बस हम इन रूट हैं बाबूसर टॉप की तरफ। ग्लेशियर से ये पानी आ रहा है। इस जगह का नाम है बटाकुंडी, थोड़ा आगे बूढ़ा वही के नेम से ये जगह है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है और बहुत ज़्यादा ठंडा है। मेरे शूज़ भी सारे गीले हो गए हैं। तो चलें फिर आगे चलते हैं। ये हम लोग आ गए हैं लुलुसर लेक में। सारी लुलुसर क्या, ये काफ़ी बड़ी लेक है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो बाबूसर टॉप होगा। लुलुसर लेक में हमारे खा रहा
बाद श्रेया बादल आ रहे हैं और हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है अभी, और बर्फ़ें ही बर्फ़ें हैं जहाँ देखें, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, लोगों का भी यहाँ काफ़ी रश है। और इस वक्त हम ज़मीन से 11,000 फुट तकरीबन ऊपर है सर लेक में, बहुत खूबसूरत है और बहुत ही खतरनाक यहाँ पॉइंट्स हैं पिक्चर्स के, जो मैं पिक्चर्स तो दूँगा लेकिन ब्लॉग में नहीं डाल सकता। बहरहाल ये ये हम एक ग्लेशियर पे रुके हैं, यहाँ पे हंसा लाइक ग्लेशियर है, बहुत बड़ा ग्लेशियर है ये, नलतर इसके पास व्यू पॉइंट है ये, कोई बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे, देख सकते हैं माउ में। अब हम आ गए हैं बाबू सर फाइनली, समंदर से तकरीबन 14,000 मीटर ऊपर, 13,700 मीटर ऊपर। ये बाबू सर की निशानी है, तो मैं आपको बाकी दिखाता हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है, इधर खुशी जमने वाली हुई है। तो यहाँ से जो चीज़ें नज़र आती हैं मैं बता रहा हूँ, यहाँ से और सबसे पहले तो नांगा पर्वत की टॉप नज़र आती है, जब मैं अभी आपको थोड़ी ही देर में दिखाऊंगा। यहाँ पे 6 बजे के बाद ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है क्योंकि ये बहुत हाइट पर है, तो यहाँ 6 बजे सब बंद कर दिया जाता है, सब लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाता है क्योंकि 6 बजे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है। फिर भी बहुत लोग आए हुए हैं, लेकिन अब मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ दी ग्रेट नांगा पर्वत। देखिए हमसे बहुत दूर है लेकिन नज़र आती है, दुनिया का तीसरा बड़ा पहाड़ है, पहाड़ों में गिरी हुई है टॉप, दूर से नज़र आ रही है, कैमरे ने बहुत अच्छा कैप्चर किया, लेकिन किसी में फॉलिंग भी हो रही है और बादल बिल्कुल आए हुए हैं। यहाँ का एक वाइट व्यू है और ये आप देख सकते हैं कि फुल बर्फीले पहाड़ है, वेरी ग्रेट नांगा पर्वत। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम।
यहाँ पे सबसे अच्छी जगह कौन सी है घूमने के लिए? बाबूसर टॉप सबसे अच्छी वही है, दिल सफे में लोग नहीं ज्यादा अच्छी। चले थैंक यू। आखिर एक बहुत ही लंबे सफ़र के बाद हम लोग वापस पहुँचे हैं नारायण, और अब हम यहाँ पे प्रजापिका हाउस से कढ़ाइयाँ वगैरह मंगवाई, ऑर्डर की हैं, बस अब वेट कर रहे हैं। उसकी जो अटैचमेंट्स हम अटैच कर रहा हूँ तो फिर हम उसको खाते हैं तो आपको बताते हैं। और मार्केट में उस वक्त बहुत ज़्यादा रश है, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम फिर से मार्केट में आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे टॉयज वगैरह सब कुछ ही अवेलेबल है, बहुत ही बड़ा बड़ा भी है, छोटा छोटा। तो बस अभी हम घूम रहे हैं, उसके बाद हम दोबारा शायद मोशन राइड लें, फिर अंदर जाके कॉफ़ी पियेंगे, खाना हमने खा लिया है, तो सुबह देखते हैं सफ़र में लोग जानना है क्या क्या करना है। अब यहाँ पर सुबह हो गई है, अब हम लोग जाने लगे हैं सफ़र में लोग, क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है इसलिए मैं उसके सिर्फ कुछ पार्ट्स डालूंगा, सारे नहीं डालूंगा। तो फिर उसके बाद हम जा रहे हैं बालाकोट, बालाकोट में जा करते हैं नाश्ता। सो लेट्स गो। इधर किवाई पर बैठे हुए हम लोग, पानी है पीछे, बड़ा रश है पीछे तक, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये रास्ते में आता है नारायण के, जाते हुए बैठ सकते हैं, आते हुए बैठ सकते हैं, मंदिर बैठे हैं। अब हम लोग रास्ते में रुके हैं ग्रीन वैली रिवर रेस्टोरेंट पे, यहाँ पे इस तरह हट्स बने हुए हैं, बड़ा अच्छा एक माहौल है। यहाँ पे हमने खाना ऑर्डर किया है, हम सब खाने का वेट कर रहे हैं।